वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ 5 मीशो के काफी क्यूट क्यूट से टॉप्स। जो बजट है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि टॉप की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सिर्फ 250 रुपए की है। कलेक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसीलिए एंड तक बने रहना, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे जो फर्स्ट टॉप है उसमें मैंने ब्लैक कलर चूज किया है। टॉप पे बाद में आएंगे, पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। तो ये जिपलॉक वाले बैग में होके आया जिसके ऊपर इसकी ब्रांडिंग करी गई है। खैर, अब बात कर लेते हैं इस टॉप की। जो इसमें फैब्रिक यूज करी गई है ना, वो बहुत ही ज्यादा हैवी फील होती है। इसके जिपलॉक वाले बैग से बाहर निकालते के साथ आप ये चीज फील कर सकते हो। डिजाइनिंग वगैरह के बारे में बात करें तो इस टॉप में आपको कॉलर मिल जाएगा जिसके एंड्स में यहाँ पे पर्ल्स अटैच करे गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड कॉलर को काफी अच्छे से डिफाइन भी कर रहा है। फ्रंट साइड में भी बटन के स्टाइल में यहाँ पे पर्ल्स अटैच करे गए हैं। यहाँ पे कोई भी बटन वगैरह नहीं है, ना ही ये खुलने वाले हैं, सिर्फ डिटेलिंग के लिए इन्हें यहाँ पे अटैच करा गया है। इनर साइड में आप इसकी साइजिंग देख सकते हो एंड इसमें आपको बलून स्लीव्स मिल जाते हैं। अपर साइड में यहाँ पे आप प्लीट्स नोटिस कर सकते हो एंड एंड पार्ट में यहाँ पे हल्की सी बॉर्डर अटैच करी गई है। स्लीव भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेंथ वाइज ये मेरे एल्बो के ऊपर तक आया था, जैसा रेगुलर स्लीव होता है बिल्कुल वही लेंथ आपको मिलेगी। बाकी बैक एंड फ्रंट साइड में और कोई भी एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं है। मटेरियल को अगर आप क्लोजली देखोगे तो इसके ऊपर में आपको लाइंस देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही इजिली स्ट्रेच भी होता है, साथ ही हैवीनेस की वजह से जरा से भी आपको शेयरनेस की कोई इशू नहीं आएगी। बट हाँ, उतना भी थिक नहीं है कि इनकेस अगर आप ह्यूमिडिटी में इसे कैरी कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा गर्मी लग रही हो, बिल्कुल वैसा नहीं है। इनर साइड से आपको बहुत ही कंफर्टेबल रखने वाला है। साथ ही ये वाली जो टॉप है इसकी अच्छी लेंथ भी है क्योंकि ये मेरे नेवल के नीचे तक आया था। रेगुलर टॉप्स की जो लेंथ होती है बिल्कुल उसी लेंथ के साथ आया एंड ओवरऑल लुक एंड फिट वगैरह आप देख ही सकते हो। रेफर करूंगी इनकेस अगर आप मीशो पे ऑर्डर कर रहे हो तो अपना एक साइज बढ़ा के लेना, तो आपको फिटिंग अच्छी आएगी, वरना मीशो में यूजुअली फिटिंग्स की इशू होती ही है। टच करने में मुझे ये कॉटन रेयॉन टाइप का फील हो रहा है एंड मैं वही चीज आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी मुझे ये टॉप बहुत ही स्टाइलिश लगा एंड ये डिटेलिंग की वजह से ये काफी क्यूट भी लग रहा था। जरूर चेकआउट करना अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली टॉप चाहिए तो। नेक्स्ट वाले टॉप के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया है नेवी ब्लू कलर, जो कि है ये टाई एंड डाई डिजाइनिंग के साथ एंड इसी वजह से इसके ऊपर में आपको व्हाइट कलर भी देखने को मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड काफी सटल भी लगता है। आए अगर इस टॉप के डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग्स पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको फ्रिल वाली नेक मिल जाएगी जो थोड़ी हाई नेक टाइप की लगती है। वहीं फ्रंट साइड में यहाँ पे व्हाइट कलर के बटन अटैच करे गए हैं, सारे बटन यहाँ पे ओपनेबल है। तो इनकेस अगर आप इसे जैकेट के तरह भी चाहो तो कैरी कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इनर साइड में यहाँ पे ब्रांडिंग एंड साइजिंग मेंशन है जो कि है एक्सेल। इस टॉप के जो स्लीव है उसे थोड़ा बी शॉप स्लीव टाइप का डिजाइन किया गया है क्योंकि इसके एंड पार्ट में यहाँ पे आपको ये प्लीट्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो इसकी स्लीव है वो आपको थोड़ी लूज लूज टाइप की लगेगी एंड पहनने के वक्त ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। टॉप के बैक साइड में भी आप यहाँ पे ये टाई एंड डाई वाली डिजाइनिंग नोटिस कर सकते हो। ये वाली जो टॉप है रेगुलर लेंथ के साथ आई है, थाइस के थोड़ा सा ऊपर में ही आया था। मैंने सारी चीजें बीरोल में आपको क्लियर कर रखी है। मटेरियल पे आए तो इसमें मुझे रेयॉन टाइप का मटेरियल फील हो रहा है एंड पहनने पे ना मुझे ये टॉप बहुत ही कंफर्टेबल लगा। इनकेस अगर आप ऑफिस के लिए भी कोई एक टॉप ढूंढ रहे हो ना, ये परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके नीचे में आप कोई भी कलर के ट्राउजर्स वगैरह कैरी कर सकते हो। इसकी भी क्वालिटी एंड फिट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इनकेस अगर आपको उतना लूज लूज फिट नहीं पसंद तो आप एक साइज डिक्रीज कर सकते हो, फिट तब भी आपको अच्छी ही मिलेगी एंड क्वालिटी वाइज मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा कोई ना देख के नहीं बोल सकता कि आपने इसे मीशो से ऑर्डर करा है, बिल्कुल अमेजोन और मिंत्रा टाइप का प्रोडक्ट फील देता है। और नेक्स्ट वाला भी जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें मैंने अगेन ब्लैक कलर ही चूज किया। इसमें भी आपको ये जिपलॉक वाली पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी जिसके ऊपर में ब्रांडिंग करी गई है। ब्लैक कलर चूज करने का रीजन बस यही है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर से बहुत ही ज्यादा प्यार है एंड पता नहीं क्यों ये अलग से ही अट्रैक्ट करता है मेरे आंखों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल के ही बारे में मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी कि काफी थिक एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे उन्होंने मटेरियल यूज करी है। साथ ही इसमें भी आपको ये लाइंस देखने को मिल जाएंगे एंड इजिली ये भी बहुत ही स्ट्रेच होता है। इसमें आपको स्क्वायर नेक मिलेगा जिसके इनर साइड में साइजिंग मेंशन है एंड साइड साइड में नेक के यहाँ पे लेस अटैच करे गए हैं ब्लैक कलर के। लेसेस ना अलग ही एक रॉयल टाइप की लुक ऐड कर देती है जिस भी कपड़े में ऐड हो। ये लेस वाली पार्ट आपको इसके स्लीव के एंड में साथ ही टॉप के एंड वाले पार्ट में देखने को मिल जाता है। इसके भी फ्रंट साइड में यहाँ पे बटन अटैच करे गए हैं एंड अगेन ये भी सिर्फ डिजाइनिंग का ही पार्ट है, इसे भी आप खोल नहीं सकते। लेंथ वाइज ये वाली जो टॉप है वो मेरे नेवल के ऊपर आई, तो ये हाई वेस्टेड जीन्स के साथ बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। बैक इसका एकदम प्लेन सिंपल सा है। ओवरऑल ये एक सॉलिड टॉप है, सिर्फ इसके लेस की वजह से मुझे ये टॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो अगर जाना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो, इसमें भी क्वालिटी वगैरह आपको A1 मिल रही है। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर चूज करती हूँ इसीलिए इस टॉप के लिए मैंने एकदम फोर्स करके व्हाइट कलर की ही टॉप सिलेक्ट करी है। बात कर लेते हैं इसके डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक प्लेन सॉलिड सा व्हाइट कलर का टॉप है जिसकी जो नेक है वो आपको स्क्वायर मिलेगी एंड इसके भी साइड्स में यहाँ पे आप देख सकते हो लेसेस लगाए गए हैं। कॉटन फैब्रिक का लेस
लेस यहाँ पे लगाया गया एंड पहनने पे ये स्किन पे ना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। इनर साइड में साइजिंग आपको दिख जाएगी एंड स्लीव्स इसमें अगेन आपको बलून टाइप के मिलते हैं, जिसके अपर साइड में एंड लोअर वाले पार्ट में यहाँ पे प्लीट्स डिजाइन किए गए हैं। टॉप का जो ये अपर वाला पार्ट होता है ना, उसे एकदम प्लेन सिंपल सा रखा गया। इसी के नीचे में आपको यहाँ पे भी प्लीट्स मिल जाएंगे, जिस वजह से नीचे साइड से ना बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। कहीं पे भी स्लिट या फिर कट वगैरह आपको नहीं मिलता। लेंथ वगैरह इसकी भी बहुत ही अच्छी है। बैक में भी यहाँ पे प्लीट्स बनाया गया। मटेरियल इसमें रेयॉन टाइप का मुझे फील हो रहा है। साथ ही एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये टॉप मुझे बिल्कुल भी शेयर नहीं लगी, व्हाइट होने के बावजूद भी। तो मटेरियल उतनी थिक है कि आपको शेयरनेस की इश्यू नहीं आए। चाहो तो इसे कॉलेज वेयर के लिए यूज कर सकते हो, बट हाँ अभी के रेनी सीजन में अवॉइड करना। मेरी फिट एंड लुक वगैरह देख सकते हो। अगर आपको टॉप पसंद आए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट वाले टॉप में भी सेम ही पैकेजिंग है। देखो मीशो पे ऐसा कुछ पता नहीं लगता कि आप कौन से ब्रांड से क्या ऑर्डर कर रहे हो, तो मैंने भी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये ब्रांड सिलेक्ट नहीं किया, ये खुद ही हो गया है। आते टॉप पे तो इसमें मैंने मरून कलर चूज किया है, बट सामने से इसका जो कलर है ना वो थोड़ा लाइट लग रहा है, एकदम डार्क मरून जैसा कि ये टॉप है उस कलर का नहीं है ये टॉप। साथ ही इसमें आपको स्क्वायर नेक मिल जाएगा, जिसके इनर साइड में अगेन साइजिंग मेंशनड है एंड फ्रंट साइड में यहाँ पे एक तो उन्होंने क्रीम कलर की लेस अटैच करी है, साथ ही ये व्हाइट कलर का मैच पता नहीं ये क्या सोच के सेलर ने यहाँ पे इसे लगा दिया है। ये चीज मुझे बहुत ही खराब लगी। वहीं इसके जो स्लीव्स है वो आपके एल्बो के ऊपर आएंगे। लेंथ स्लीव की अच्छी लगी मुझे। साथ ही जो डिजाइनिंग भी है ना वो भी काफी ज्यादा यूनिक लगी, क्योंकि यूजुअली हम क्या देखते हैं कि स्लीव के अपर वाले पार्ट में प्लीट्स बनाए होते हैं, बट ये वाले स्लीव के फ्रंट एंड बैक में यहाँ पे प्लीट्स बनाए गए हैं। ये भी एक न्यू लुक क्रिएट कर रहा था एंड अच्छा भी लग रहा था। इसके भी एंड पार्ट में यहाँ पे लेस अटैच करे गए हैं, वही क्रीम कलर के। बैक जो टॉप का है उसे एकदम प्लेन सिंपल सा रखा गया है। वहीं नीचे वाले पार्ट में देखो तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिल जाएगी जो कि आपके लेफ्ट साइड में आती है एंड यहाँ पे भी लेस अटैच करके इस कट को और भी ज्यादा क्यूट बना दिया गया है। इसके अगर मटेरियल के बारे में बात करें तो दोनों जो मैंने ब्लैक टॉप शेयर किया उससे थोड़ी सी मटेरियल यहाँ पे मुझे पतली लग रही है, बट हाँ एकदम शेयर नहीं है या फिर खराब क्वालिटी की नहीं है। अगेन यहाँ पे भी आपको ये नीटेड वाली फैब्रिक ही देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल भी होता है। स्किन पे मुझे ये फैब्रिक कंफर्टेबल लगी। इसमें भी मुझे कॉटन रेयॉन टाइप का ही फील आ रहा है, बस इसकी जो फ्रंट बो है ये व्हाइट वाली, इस वजह से मुझे ये टॉप उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। इनकेस अगर आप इसके लिए जाओगे भी ना तो रिसीव करने के बाद ये बो हटा देना, तब ये टॉप अच्छी लगेगी। प्राइस वाइज ये वाली जो टॉप है मुझे 350-360 के अराउंड में मिल गई थी, तो प्राइस भी इसकी अच्छी है, डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड आई होप गाइस आपको ये टॉप के कलेक्शन अच्छे लगे होंगे। अपना फेवरेट टॉप मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।